आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांडेड सर्चेस के बारे में। अगर आपका नेम दे रखा है, आपका कीवर्ड दे रखा है, आपकी वेबसाइट दे रखी है, ऑलरेडी आप एक ब्रांड बन चुके हो, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके एसईओ पर, या फिर आपका ब्रांड अभी बना नहीं है तो उसको किस तरीके से आप बना सकते हैं सर्च इंजन। दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख रखा है, जिसको आप देख सकते हैं, जो कि दे रखा है, पीपल सर्च फॉर ब्रांड्स, इफ पीपल सर्च फॉर योर ब्रांड इन गूगल, दिस शोज गूगल डेट योर साइट इज अ रियल ब्रांड। मीन्स अगर आपके किसी भी नेम को, या आप कह सकते हैं आपकी वेबसाइट के नेम को, अगर अगेन एंड ओवर अगेन बार बार इसको सर्च किया जाता है, तो गूगल के AI या आप कह सकते हैं गूगल बोट इसको पहचान लेता है कि किस तरीके से आपका ही कीवर्ड या आपका ब्रांड गूगल में बार बार सर्च किया जा रहा है। तो इस तरीके से गूगल उसको क्या कर लेता है, अपनी नज़रों में लेता है कि हाँ, इस पर ज़्यादा सर्चेस आते हैं और इस कीवर्ड को या फिर इस ब्रांड नेम को क्या देनी चाहिए, रैंकिंग देनी चाहिए। तो जैसे ही रैंकिंग मिलेगी तो क्या होगा, डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके SEO पर। तो एक जो आपके ब्रांडेड कीवर्ड दे रखे हैं वो तो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गूगल को पता है कि इन कीवर्ड से रिलेटेड या फिर आपका कोई प्राइमरी कीवर्ड दे रखा है, उस पर कुछ ज़्यादा सर्चेस आती हैं और इसी वेबसाइट पर विजिटर लैंड होते हैं, तो इस कारण आपको क्या वहाँ पर रैंकिंग मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ब्रांडेड कीवर्ड या फिर ब्रांडेड सर्चेस क्या होते हैं। सिंपली इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर आपका कोई नेम दे रखा है, चाहे डोमेन रिलेटेड या वेबसाइट रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका कोई कीवर्ड दे रखा है, या फिर आपका खुद का नेम दे रखा है, या आप एक ऑथर है, या आपने किसी की पर्सनल ब्रांडिंग की है, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मतलब कोई भी कीवर्ड इसके अंदर जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है और उसको आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्रांडेड सर्च का एक अपडेट आता है कि उसको अगर ओवर एंड सर्च किया जाएगा तो उसकी रैंकिंग बहुत जल्दी ही ऊपर आने के चांस रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।